देखिए हमारा बारा सुंदरी माता का पुष्तैनी मंदिर है, ये गुप्ताओं का पर्सनल मंदिर है। ये देखिए जब हमारे एंसेस्टर स्वर्गीय श्री चरंजी लाल गुप्ता जी अम्बाला से रायपुर रानी से यहाँ रहने के लिए आए थे तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। अब हमने इसे थोड़ा बहुत रेनोवेट कर दिया है। एक्चुअली उनकी यहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी, तो एक दिन क्या हुआ वे नमक बेच रहे थे, दो चार दिन ऐसे चलता रहा और नमक उनका बढ़ता जा रहा था। उन्होंने देखा कि नमक तो ख़त्म नहीं हो रहा, मैंने तो कल ही बेचा था 4-5 किलो, ये बढ़ता जा रहा है। तो रात में सपने में उन्हें क्या दिखाई दिया कि माता सामने आई और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ अम्बाला से यहाँ रहने के लिए आई हूँ, मुझे भी यहाँ पर स्थान चाहिए। तो उनकी याद में ये मंदिर यहाँ पर बनाया गया। ये देखिए ये देवता चंभू का सामने जो प्रौढ़ बन रही है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं। और ये देवता चंभू का सबसे प्राचीन मंदिर है। ये देखिए ये चार चंभुओं में सबसे बड़े चंभू माने जाते हैं। ये देखिए आज आपको मौका मिलेगा देवता साहिब से मिलने का, तो आप तैयार रहिएगा थोड़ी ही देर में। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक शिवपिंडी जो खुदाई के वक्त मिली है। ये देखिए ये जब कंस्ट्रक्शन का काम चला था तो ये पिंडी यहाँ पे काफ़ी मिट्टी के नीचे खोद के निकली थी, काफ़ी नीचे से। ये देखिए ये शिवपिंडी, इससे जाहिर होता है शायद यहाँ कभी कोई सभ्यता पली होली। ये देखिए ये है मेन मंदिर देवता चंभू का। यहाँ पे एक पिंडी रखी गई है और माना जाता है कि निर्मल से एक ब्राह्मण अपनी गाय लेकर यहाँ आते थे और वो गाय यहाँ पर उस पिंडी पर दूध देती थी, उसके बाद ही वो मंदिर। अभी मैं आपको थोड़ी देर में ये दरवाज़ा खुलेगा जब पुजारी आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी पिंडी के बारे में उसका पूरा रहस्य। आप देख सकते हैं जिस पिंडी की मैं पहले बात कर रही थी, माना जाता है कि यहाँ पे निर्मल से कोई ब्राह्मण आया करते थे अपनी गाय चुराने के लिए, तो वो गाय यहाँ पर आकर दूध देती थी। ये देखिए ये वो पिंडी है, उसके बाद ही यहाँ पर देवता चंभू के मंदिर की स्थापना हुई थी। ये देखिए सामने पुजारी पूजा कर रहे हैं। ये देखिए देवता चंभू का असली रूप आप देख सकते हैं, आज पूरे सागर सज्जा के साथ देवता चंभू बाहर निकले हैं।
आपको पुरानी बावड़ी दिखाती हूँ। मैंने आपको कहा था कि खुदाई के वक्त कुछ चीज़ें मिली हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही आश्चर्य होता है ये देखकर कि यहाँ पे कोई सभ्यता थी। ये देखिए किस तरह की चीज़ें मिली हैं। ये देखिए इस पत्थर को पानी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए बावड़ी, इस बावड़ी में देखिए आप लेयर देख सकते हैं, चार लेयर आपको नज़र आ रही है। कहते हैं कि यहाँ पे सात लेयर्स हैं, वो देखिए सामने। ये सारी बावड़ी खुदाई के वक्त मिली है, लगभग चार बावड़ी हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, वो सामने आपको एक पत्थर दिखाई दे रहा है। ये देखिए लगता है कुछ इसमें कुछ खुदाई के कुछ लग रहा है, कुछ नक्काशी की हुई है उस पत्थर में, कुछ खुदाई हुई है सामने, वो देख सकते हैं आप। ये देखिए ये प्राचीन कला को दर्शा रहे हैं। ये देखिए मैं आपको सामने दिखा सकती हूँ, ये देवता का बैठक है। यहाँ पे जब स्थानीय मेला राय जांच होती है तो सभी देवी देवता यहाँ पर बैठते हैं। ये देखिए सामने, ये देखिए कितनी सुंदर नक्काशी हुई है इसमें। ये देखिए ये बैठक मेरे दादा ससुर पीसी गुप्ता ने बनवाया है अपनी मम्मी की याद में। ये देखिए उनका नाम भी यहाँ लिखा है। ये देखिए पूरन चंद गुप्ता, ये मेरे दादा ससुर हैं जो इस वक्त दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में। ये बैठक देवी देवता के लिए उन्होंने अपनी मम्मी की स्मृति में बनाया है। ये देखिए नक्काशी देखिए, ये देखिए कितना बारीक काम हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। आश्चर्य होता है देखकर कारीगरों के हाथों में क्या कला है। ये देखिए बहुत ही आश्चर्य होता है, उनकी सारी कला यहाँ पे झलक रही है। मेन गेट, ये देखिए कारीगर भी सामने खड़े हैं, भगत मामा जी। मैं आपको मंदिर के दरवाजे में लगे हुए 10 अवतार दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए सबसे पहला अवतार है 12 अवतार, ये देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है इसे। उसके बाद है मत्स्य अवतार, ये विष्णु के अवतार हैं 10 अवतार। उसके बाद कच्छ अवतार, आप देख सकते हैं कितना बारीक काम है इसमें। उसके बाद नरसिंह अवतार, ये देखिए, ये देखिए काम को कितनी बारीकी से किया गया है। उसके बाद देखिए वामन अवतार, ये देखिए, ये देखिए परशुराम अवतार, जिनका मंदिर आप मुंबई में भी देख सकते हैं। ये देखिए परशुराम अवतार, ये देखिए रामचंद्र अवतार, कृष्ण अवतार, ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। राधा अवतार, ये देखिए बुद्ध अवतार देखिए, और वो है कल्क अवतार। तो ये ब्रह्मा भगवान के 10 अवतार इस गेट पे नक्काशी के द्वारा बनाए गए हैं। वो देखिए सबसे ऊपर शिव भगवान, शिव बाबा की फोटो लगी है। ये देखिए ये मेरे शिव बाबा सबसे ऊपर बने हैं, ये देखिए। और पार्वती माता भी सामने बैठी हैं, और वो देखिए कान्हा जी भी बैठे हैं माखन खाते हुए। वो देखिए कान्हा, और वो देखिए बजरंग बली जी भी विराजमान है साथ में। ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है इन्हें, इनको बनाने में सालों लग जाते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए शिव बाबा बैठे हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एवरी वन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।